राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम गंदी आदतें। आलेख सरोजनी प्रीतम का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। एक था कौवा, नाम था कालू, कालू कौवा। उसने देखा एक तोता, वो टैंटे तोता हर रोज सामने वाले मकान में जाता और वहां बूढ़ी माँ उसे रोज पूरी खिलाती। टैंटे तोता मजे से पूरी खाकर उड़ जाता। एक बार कालू कौवे ने तोते से पूछा, बूढ़ी दादी माँ तुम्हें रोज पूरी खिलाती है, मैं जब भी जाता हूँ क्या क्या तो मुझे भगा देती है, ऐसा क्यों? ते, ते। देखते नहीं मैं कितना साफ हूँ, मेरे ये हरे हरे पंख, लाल लाल चोंच, तुम्हारे पंख गंदे हैं, तें, तुम्हारी चोंच भी गंदी है, तुम अपने पंख धुलवा लो, दादी माँ तुम्हें भी रोज पूरी खिलाएगी, तें, तें। सच? तब तो मैं अपने पंख जरूर साफ करवाऊंगा, अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगा जब मेरी कहकर कालू कौवा उड़ गया। वो जोर जोर से काँव काँव करता जा रहा था और सोच रहा था कि पंख और चोंच कहाँ से साफ करवाए। कालू कौवा काँव काँव गाए, पंख कहाँ से धुलवाए, अरे कालू कौवा काँव काँव गाए, पंख कहाँ से धुलवाए, कालू कौवा काँव काँव गाए, पंख कहाँ से धुलवाए। कौवे की काँव का एक धोबी के गधे ने सुनी और गधा कौवे को दुखी देखकर पिघल उठा। वो कौवे से बोला, ओ कौवे तू मेरे धोबी से पंख धुलवा ले। सच? चलो धोबी के पास चलते हैं। चलो चलो। अब कौवा और गधा धोबी के पास गए। धोबी के पास जाकर गधा बोला, धोबी जी मेरे दोस्त कौवे के पंख धो दो। ठीक है ठीक है। तब धोबी गरम गरम साबुन की बाल्टी ले आया। धोबिन धोबी दोनों आए, साबुन का वो पानी लाए, कौवे को पानी में डुबोया, काँव काँव फिर कौवा रोया, बार बार फिर उसे झिंझोड़ा, पंखों को फिर खूब निचोड़ा, वाह वाह क्या खूब धुले थे, पंख आहा उजले उजले थे, पंख आहा उजले उजले थे। पंख धुलवाकर कालू कौवा तोते के पास पहुंचा। तोते के सामने उसने जोरों से पंख फड़फड़ाए। तोता भी उसके साफ पंख देखकर खुश हो गया। लेकिन ये क्या, तोता उसे देखकर एकाएक फिर नाक भौंसी गोड़ने लगा। कौवे ने पूछा, अब क्या है, मुझे तो इतना साफ कर दिया है धोबी ने कि अब तो तुम्हारे पंख मैले नजर आने लगे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कौवे भैया तुम्हारी चोंच, चोंच तो गंदी ही रह गई, इसी चोंच को देखकर ही तो टें टें दादी माँ मुझे पूरी खिलाती है, टें टें। पहले
तो उन्होंने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा था। टें, अब मुझे छोड़ दिया है। मैं यहाँ वहाँ नहीं उड़ता, नहीं झूठन में चोंच मारता हूँ। टें टें, दादी का वो नन्ना सा पोता रिंकू, वो तो मुझसे रोज पूछता है, टें टें, तुम दांत साफ करके आए हो क्या? तुम कौन सा मंजन लगाती हो? टें टें, कब्बे भैया, मैं तो रोज पहले चोंच धोता हूँ। टें, हमारी चोंच ही तो हमारे दांत है ना? चोंच कहाँ वो धुलवाए, अरे कालू कौवा काँव काँव गाए, चोंच कहाँ वो धुलवाए, झूठन चाट चाट कर खाई, चोंच ना उसने थी धुलवाई, झूठन चाट चाट कर खाई, चोंच ना उसने थी धुलवाई, धोबी को फिर से मनवाया, चोंच को फिर उसने धुलवाया, हर धोबी को फिर से मनवाया, चोंच को फिर उसने धुलवाया, चोंच को फिर उसने धुलवाया, चोंच को फिर उसने धुलवाया। चोंच साफ करवाकर कालू कौवा तेजी से उड़ा। टेंटे तोते ने उसके धुले उजले पंख देखे, साफ चोंच देखी तो हंसकर बोला, टेंटे टेंटे, अब तो तुम सचमुच ही बदल गए हो कौवे भैया। आओ आज तो हम दोनों पूरी खाएंगे। दोनों उड़ते उड़ते बूढ़ी दादी के आंगन में पहुंचे। दादी ने टैटे तोते के लिए एक कटोरी में पूरी रखी। तोता चटपट सारी पूरी खा गया। दादी कालू कौवे के लिए एक और पूरी लेने चल पड़ी। तभी कौवे ने देखा बूढ़ी दादी का मुन्ना रिंकू पराठा खा रहा है। कौवे को बहुत भूख लगी थी, वो और ना रुक सका। उसने छटपट छपट कर रिंकू के हाथ से पराठा छीन लिया। मुन्ना चिल्लाया, दादी ने जब कौवे की ये हरकत देखी तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। दादी बोली, सिर्फ पंख और चोंच धुलवाने से क्या होता है, आदतें तो वही पुरानी हैं। जब तक आदतें गंदी हैं तब तक चोंच और पंख धुलवाने का कोई फायदा नहीं। अब मैं अपनी गंदी आदतें भी छोड़ दूंगा। कौवे को अपनी गंदी आदत पर बहुत शर्म आई। वो सोच रहा था कि वो हर हालत में गंदी आदत छोड़ देगा। सोच रहा था कालू कौवा गंदी आदत सब छोड़ेगा। सोच रहा था कालू कौवा गंदी आदत सब छोड़ेगा। अच्छी आदत की तरफ खुद को वो अब मोड़ेगा। सोच रहा था कालू कौवा गंदी आदत सब छोड़ेगा। गंदी आदत सब छोड़ेगा। गंदी आदत सब छोड़ेगा। गंदी आदतें। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया।